नमस्कार, बोल्स्काई किचन में आपका स्वागत है। मैं ज्योति जाली आज आपको गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजरें, अच्छी तरह धोकर कद्दूकस कर लीजिए। 250 ग्राम हमें मावा चाहिए, 50-50 ग्राम बादाम, किशमिश, काजू, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप दूध, 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1 चम्मच बारीक पिसा हुआ इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच नारियल का भूरा चाहिए। तो चलिए अब हम गाजर का हलवा बनाते हैं। सबसे पहले गाजरों को अच्छी तरह से धोकर कद्दूकस करके इसे बड़ी कढ़ाई में डाल लीजिए। अब आप इसमें मिल्क ऐड करिए। मिल्क मैंने यहाँ पे क्रीम के साथ लिया है, ऊपर जो मलाई जमी होती है उसके साथ ही लिया है। अब मैं इन गाजरों को दूध के साथ पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। कम से कम 15 से 20 मिनट तक गाजर और दूध पकेंगे। जब तक हमारी गाजरें पक रही हैं दूध में, तब तक हम अपना खोया को भून लेते हैं। इससे हल्की आंच में थोड़ा थोड़ा हम भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। खोए को अच्छी तरह से भून लीजिए। इसमें से कच्चे दूध की स्मेल निकल जानी चाहिए। अब ये घी छोड़ने लगा है। अब ये हमारा भून के रेडी है। इसे मैं अब साइड रख दूंगी। बीच बीच में आप इसे अच्छी तरह चलाकर पलटते रहिए ताकि गाजरें एक ही जगह से ना पके। अब मैं इसमें 2 चम्मच बारीक पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल के मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके भूनने के लिए रख दीजिए। जब तक ये गाजरें आपकी पक रही है, तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का भून लूंगी ताकि ये थोड़े क्रंची हो जाए। आपके ये ड्राई फ्रूट्स अब भून के तैयार हो गए हैं। इसे अब मैं छोटे छोटे कोर्सली इसको ग्राइंड कर लूंगी ताकि छोटे टुकड़े हो जाए और मैं इसे फिर हलवे में बाद में ऐड कर लूंगी। अब इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ और शुगर डालकर अब इसे ड्राई होने तक पकने के लिए रख दूंगी। आप बीच बीच में अच्छी तरह से गाजरों को मिक्स करके हिलाते रहिए। तब तक पकाइए जब तक कि गाजरों का दूध का और पानी पूरा सूख नहीं जाता। ये कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा जब तक कि आपकी ये दूध बिल्कुल सूख कर रेडी ना हो जाए। अब आपकी गाजरें सूख गई हैं। इसमें घी दूध चला गया है, साथ में इलायची पाउडर मैंने डाला हुआ है। अब मैं इसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए और भूनूंगी। अब मैं इसमें पहले खोया डाल रही हूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर रही हूँ जो मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं। हलवे में ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। आप इसकी मात्रा कम भी कर सकते हैं या आप इसे बढ़ा भी सकते हो। मैंने 50-50 ग्राम सबके लिए है, आप अपने स्वाद के अनुसार उतने ड्राई फ्रूट्स लीजिए। और 5 से 7 मिनट तक आपका हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे 5 से 7 मिनट तक आप इसे भून लीजिए और आपका गरम गरम गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। आइए अब हम इसे परोसते हैं। इसे गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा सा मावा कद्दूकस करके लिया है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और साथ में थोड़ा सा कोकोनट का भूरा लिया है। तो चलिए अब मैं इसे सर्विस बोल में डालती हूँ। अब मैं इसे गार्निश करूंगी थोड़े से खोए के साथ में, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने बहुत बारीक काट लिए हैं, साथ ही इस पर थोड़ा सा कोकोनट का भूरा डाल दीजिए। अब लीजिए, आपका गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गरम गरम अपने घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। धन्यवाद। हाय, आई एम ज्योति फ्रॉम ट्रांसेंडेंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियोज। दिस टाइम आई हैव कम अप विद एन इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ गाजर का हलवा। डू वॉच इट एंड मेक इट इन योर किचन एंड प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो विद मी। इन केस ऑफ एनी कोर्सेज और क्लासेज और ऑर्डर्स, प्लीज लुक एट द डिटेल्स व्हिच आर शेयर्ड बिलो and do contact us. We shall get back to you immediately. Thank you.